हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गहना अपने पति संजय और चार सौतेली नंदो, बड़ी ननद राची, दूसरी ननद प्रीति, तीसरी ननद ज्योति और चौथी ननद पायल के साथ अमृतसर की रहने वाली थी, जहां आज के जमाने में भाभियों का एक ननद के साथ निभा पाना मुश्किल होता है। वहीं गहना अपनी चार नंदों के साथ बड़े प्यार से रहती थी। उसकी चारों नंदों में से कोई भी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, लेकिन फिर भी गहना अपनी सभी नंदों को अपनी बहनों की तरह ही मानती। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सुबह के समय संजय डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था, तभी उसकी चारों नंदे वहाँ आती हैं और डाइनिंग टेबल पर रखे नाश्ते को देखकर कहती हैं, भाभी ये क्या बनाया है? क्या हो गया ननद जी, आप लोग ऐसा क्यों कह रही हैं? भाभी जी होना ही क्या है, आप इतने टाइम से हमारे साथ रह रही हैं, अब तक तो आपको हमारी पसंद नापसंद के बारे में पता हो ही जाना चाहिए था, या हम ये सोचे कि आप जानकर ऐसा खाना बनाती हैं जिसे हम ना खाएं और आपका एक टाइम का खाना बच जाए। वैसे भी आज की महंगाई के दौर में छोटे परिवार को चलाना बहुत मुश्किल होता है, हमारी फैमिली तो फिर भी बड़ी है और किसी तरह ना सही तो ऐसे ही कुछ बचत कर लें। ननद जी आप लोग ये कैसे बातें कर रही हैं? आप लोग ऐसा सोचती हैं? अब आप लोगों को क्या लगता है कि मैं आप लोगों की पसंद का खाना भी देना पसंद नहीं करती? भाभी आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, ये चीजें तो डाइनिंग टेबल पर रखे बोरिंग खाने को देखकर ही पता चल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप हम चारों के लिए हमारी पसंद का खाना बनाती ना। प्रीति दीदी बिल्कुल सही बोल रही हैं। बस करो तुम लोग, मॉर्निंग में सबके घर में शांति रहती है, सभी लोग एक साथ बैठकर प्यार से खाते पीते हैं, लेकिन एक मेरा घर है जहाँ एक भी दिन बिना कलेश के शांति से नहीं बीतता। और राची तुम तो इन सब में बड़ी हो, तुम्हें इनको समझा कर रखना चाहिए, लेकिन तुम तो खुद ही लड़ाई करने का बहाना ढूंढती रहती हो। भाई आप मुझे क्यों सुना रहे हैं, यहाँ तो मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ गलती भाभी की है, आपको मुझे नहीं भाभी को बोलना चाहिए। लेकिन आप अपनी पत्नी को कभी कुछ नहीं कहते, आपको उनकी कभी कोई गलती दिखाई ही नहीं देती। जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही सोचता है, रोज तो तुम्हें तुम्हारे पसंद का ही खाना मिलता है ना, अगर एक दिन नहीं मिला तो कौन सा पहाड़ टूट गया। नाश्ता तुम्हारे पसंद का नहीं बना ये तुम्हें दिखाई दिया, लेकिन अपनी भाभी का उतरा हुआ चेहरा नहीं दिखाई दिया, उसकी खड़ी होने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी वो जैसे तैसे उठी और हम सबके लिए नाश्ता तैयार किया ताकि हमें खाली पेट घर से ना जाना पड़े, और तुम लोग उसी पर ब्लेम कर रहे हो। अब बस करिए, बेवजह गुस्सा मत करिए, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं इन लोगों के लिए इनकी पसंद का कुछ बना देती हूँ, और आप लोग भी बैठ जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी बस कुछ आपकी पसंद का बना कर लाती हूँ। भर गया मेरा पेट, अब मुझे भूख नहीं है, इनको सर पर तुमने ही चढ़ा रखा है, तभी ये चारों अपने घमंड में ये भी भूल गई हैं कि तुम भी इंसान हो, कोई मशीन नहीं, जो ये अपने छोटे छोटे काम के लिए भी तुम्हें ही ऑर्डर देती रहती हैं, खुद करने की जगह पर। संजय इतना कहकर गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ गहना की चारों नंदों का बर्ताव उसके प्रति अच्छा होने की जगह दिन पर दिन और खराब हो रहा था, जिसकी वजह से उसके पति संजय और उसकी नंदों के बीच में आए दिन बहस हुआ करती, और घर की शांति को भंग होते देखकर गहना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय संजय ऑफिस से घर आता है और हॉल में अपनी पत्नी गहना को चुपचाप बैठे हुए देखकर उसके पास जाकर कहता है, आज आपकी चारों मैडम कहाँ हैं जो तुम शाम के समय इतनी शांति से बैठी हुई हो, वरना अभी तो तुम मुझे रसोई के सिवा कहीं और नहीं दिखाई देती हो। वो लोग शॉपिंग करने के लिए गई हुई हैं, न्यू ईयर आने वाला है ना, तो उनकी कॉलेज में पार्टी है इसलिए। न्यू ईयर सिर्फ उन्हीं के लिए ही है क्या, तुम्हारे लिए भी तो है ना, चलो हम दोनों भी शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। वैसे भी अपनी चारों बहनों की जिम्मेदारी के चलते मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाया, इसी बहाने तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा तो वो मुझे खुशी होगी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आप अपने मन में किसी तरह का कोई पछतावा मत रखिए प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा सच में है तो चलो हम भी शॉपिंग के लिए चलते हैं, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। संजय इतना कहकर गहना को लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद दोनों मॉल में पहुंच जाते हैं, जहां वो गहना को बहुत सारी शॉपिंग करवाता है और उसके बाद उसे बिना बताए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां उसने पहले से ही गहना के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। रेस्टोरेंट की साज सजावट और टेबल पर रखे हुए केक को देखकर वो खुश होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हैरान भी थी,
और हंसते हुए अपने पति संजय से कहती है, आपने ये सब पहले से ही प्लान करके रखा था। अच्छा, तभी आप आज जल्दी आ गए थे, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। तुम अपनी ननदों के घर की जिम्मेदारी में इतना खो गई हो कि तुम्हें अपनी लाइफ का इतना खास दिन भी याद नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें ये दिन कुछ अलग तरीके से याद दिलाया जाए। चलो अब सवाल बाद में पूछना, जल्दी से केक कट करो। थोड़ी देर बाद संजय और गहना दोनों साथ मिलकर केक कट करते हैं और एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। संजय और गहना की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी उनकी चार नंदे सुन रही थी, जिन्हें देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ गहना अपने बर्थडे पर अचानक मिली सरप्राइज बर्थडे पार्टी से बहुत खुश थी। दोनों खाना खाते हैं और आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी चारों की चारों नंदे वहां आती हैं और कहती हैं, क्या बात है भैया, तुम लोग यहां कैसे? क्यों भैया, हमें यहां नहीं होना चाहिए क्या? ओह सॉरी, हमारी वजह से आपकी पार्टी खराब हो गई ना। भैया हमारे लिए तो आपके पास कभी पैसे नहीं रहते, उसके लिए महंगाई आ जाती है बीच में, और भाभी के लिए इतनी बड़ी पार्टी देने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा। हम बहुत देर से ये सब देख रहे हैं। देखो हम अभी बाहर हैं, इसलिए तुम चारों अपना मुंह बंद रखो और थोड़ा धीरे बोलो, लोग हमारी बातें सुन रहे हैं। भाई आप हर बार तो हमारा ही मुंह बंद करवाते हो और सारी विश तो सिर्फ भाभी जी की पूरी करते हो, हम तो आपको दिखाई ही नहीं देते अपनी बीवी के आगे। बस करो तुम सब, हर एक बात पर तुम चारों को बहस ही करनी होती है। आखिर तुम अपनी भाभी को क्यों नहीं पसंद करती हो, इसने किया क्या है तुम्हारे साथ? देखो मुझे बाहर अपना तमाशा नहीं बनाना है, इसलिए चुपचाप घर चलो। भैया आप तमाशा बनाने के लिए बाकी क्या बचा है? आपके पास अपनी बीवी के साथ पार्टी करने के पैसे हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं है। उनकी पसंद नापसंद का ख्याल है, लेकिन हमारी पसंद का कोई मतलब ही नहीं है। चुप हो जाइए आप लोग प्लीज, कम से कम बाहर तो मेरी वजह से आपस में बहस मत कीजिए। और आप लोग, अगर आप लोगों को मुझसे इतनी ही परेशानी है तो मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। गहना इतना कहकर रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद संजय अपनी चारों बहनों को गुस्से की नज़र से देखते हुए कहता है, आज तुम लोगों ने हद पार कर दी है। जैसा बर्ताव तुम लोग अपनी भाभी के साथ करती हो, ऐसा बर्ताव तो कोई अपनी मुंह बोली भाभी के साथ भी नहीं करता है। उम्र में तो तुम सब इनसे छोटी हो, लेकिन फिर भी वो कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती हैं। उसी की वजह से तुम यहाँ अपने घर में हो, वरना मैं तुम्हें कब का हॉस्टल में भेज चुका होता और आराम से उसके साथ रहता। आप ये क्या कह रहे हैं भाई? सही कह रहा हूँ मैं, उसने ही मना कर दिया कि तुम लोगों को हॉस्टल ना भेजूं, सब साथ रहेंगे, और तुम लोग तो उससे सीधे मुंह तक बात नहीं करती हो। साथ रहना तो दूर की बात है, तुम्हें न्यू ईयर की पार्टी याद थी लेकिन उसका बर्थडे याद नहीं था। सबके सामने इतना तमाशा बना दिया तुमने, अब तुम लोग रहो आराम से अकेले, तुम लोग अपना ख्याल रख सकती हो, इसीलिए मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ। संजय इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अपने भाई की बात सुनकर चारों को अपनी गलती का एहसास होता है। मीना एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे अंग्रेजी झाड़ने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन वो अपने कॉलेज के फ्रेंड से बातें कर रही थी। कुछ देर तो वो नॉर्मली हिंदी में बात करती है, लेकिन जब उसका क्रश शिवा उसके सामने से गुजरता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने लगती है। साक्षी, let's go to the club and we have lots of fun. Yeah, Meena, you are right. Today we have lots of fun. But suddenly तू ऐसे इंग्लिश में talking क्यों कर रही है? Just casually यार. So, कितने बजे मिलोगे तुम सब? Okay, both of you, meet me at 6. Okay, baby, done. Done, done, done. तीनों अपने अपने घर के लिए निकल जाती हैं। उस वक्त शिवा भी अपनी बाइक से जा रहा होता है। उसके सामने ही मीना की हील्स टूट जाती हैं और वो कहती है, What the hell is this? How will I go my home now? शिवा उसके पास आता है और बोलता है, Can I help you, miss? No, it's okay. I will manage. अरे मान जाइए, and I know तुम मेरी ही क्लासमेट हो, काफी बार देखा है तुम्हें। Come on, I drop you. Okay, तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है। इतना कहकर मीना उसकी बाइक पर बैठ जाती है और बाइक से उसे कस कर पकड़ लेती है, जिसके बाद वो दोनों रास्ते में बातें करते हुए जाने लगते हैं। By the way, what's your name? Myself, Meena. Meena Chaturvedi. Oh, that's nice. And my name is? Shiva, am I right? तुम्हें कैसे पता? Because I'm intelligent. Okay, अब किस तरफ टर्न करूं? बस आगे से लेफ्ट, देन मेरा घर आ जाएगा। शिव उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है और घर आकर मीना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने कमरे में आकर खुद से ही बात करते हुए बोलती है,
आज तो मेरा जादू चल ही गया शिवा पर, आखिर कब तक बचता? मेरी इस ब्यूटी से आ ही गया ना मेरी पकड़ में। हाय आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बस अब वो जल्दी से मुझे प्रपोज कर दे और बोले मीना आई लव यू माई डार्लिंग। ऐसे ही अगले दिन वो एक हॉट सी ड्रेस पहनकर अपने कॉलेज जाती है। दोनों लेक्चर लेते वक्त एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब शिवा तो उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो जैसे ही उसकी तरफ आता तो मीना अपने दोस्तों के साथ बिजी होकर वहाँ से चली जाती। ऐसा उसने शिवा के साथ 4-5 दिन तक लगातार किया ताकि वो उसकी तरफ खींचा चलाए। और फिर एक दिन जब वो लाइब्रेरी की तरफ जा रही होती है तो शिवा उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है और उसके हाथों को पकड़कर बोलता है, मीना तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मतलब, मैंने क्या किया है? तुम मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं नहीं तो, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। मीना मैं तुम्हारी बिना नहीं रह सकता, प्लीज मुझसे बात करो। क्यों नहीं कर सकते? Cause I love you. Really, शिवा? I love you too. अच्छा तुम भी करती हो? कब से? तुम तो मुझसे बात ही नहीं करती थी ना, फिर? You don't know how much I love you. So why didn't you tell me? मुझे लगा कहीं तुम मेरे प्यार को नहीं अपना पाओगे। वक्त गुजरता जाता है, दोनों अब कॉलेज में भी एक साथ रहने लगते हैं, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ महीनों बाद दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं और घर वालों की मंजूरी से धूमधाम से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और मीना भी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से उठा लेती है। वक्त यूं ही बीतता जाता है और मीना अपनी सास स्वर्णा के आगे भी कभी कभी इंग्लिश में बात कर लिया करती थी। तभी एक दिन मीना अपनी सास के पास जाती है और उनसे कहती है, माजी दिस इज योर टी। क्या बहो, क्या फिस्टी? माजी मैंने इंग्लिश में बोला, ये लीजिए आपकी चाय। अच्छा बहो, अच्छा तो ये मुझे भी सिखा देना। माजी ये आपके बस की बात नहीं है, रहने दीजिए। अरे बहो तो सिखाना, मैं कोशिश करूँगी। वैसे भी तुझे तो पता ही है वो सामने वाली सुनीता अपनी बहू से कैसे अंग्रेजी में चपड़ चपड़ करती रहती है। ऐसे बोलती है ना, बहू आज मैं ईटिंग पराठा। माँ जी वो ऐसे नहीं, वो ऐसे होता है, टुडे आई विल हैव पराठा इन माय ब्रेकफास्ट। क्या टुंडी ईट पराठा, ऐसे ही ना बहू? अरे माँ जी नहीं नहीं ऐसे नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको सब सिखा दूंगी। वक्त बीतता जाता है, मीना घर का काम भी करती साथ ही अपनी सास को इंग्लिश बोलना भी सिखाती। मीना अपनी सास को इंग्लिश का अखबार पढ़ाती तो कभी कभी इंग्लिश सीरियल्स भी दिखाती। अब स्वर्णा कुछ टूटी फूटी इंग्लिश बोलना सीख गई थी। स्वर्णा ने सभी के आगे अंग्रेजी कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने अपने बेटे शिवा के आगे अभी तक अंग्रेजी नहीं बोली थी। और शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वो शिवा से कहती है, माय बेटा इज कमिंग, शिवा यू खाना खाएंगे बेटा। माँ आपकी इंग्लिश, ओह क्या हुआ बेटा माँ इंग्लिश को, इज देयर एनी दिक्कत? माँ बहुत खतरनाक इंग्लिश है आपकी, सुनकर ही पैरों के नीचे धरती इज फटिंग। अच्छा सच बेटा, मैं और सुनाऊं? नहीं नहीं माँ, मैं खाना खा लेता हूँ। इतना सब होने के बाद शिवा अपनी पत्नी मीना के पास जाता है और उससे बोलता है, मीना ये माँ को क्या हो गया और उनको इतनी इंग्लिश कहाँ से आ गई? अजी आप पूछिए ही मत, थोड़े टाइम पहले सामने वाली पड़ोसन की नकल से माँ जी ने मुझसे इंग्लिश सीखने की जिद कर ली और मैंने उन्हें सिखा भी दी, लेकिन माँ जी ने तो एक नए लेवल की इंग्लिश का आविष्कार कर दिया। ओह तो ये बात है। मैं क्या करूँ, माँ जी की इंग्लिश सुन के तो कभी कभी मुझे भी दिल का दौरा आते आते रह जाता है और कभी कभी बहुत हंसी भी आती है जब वो बोलती है ना, आई एम जाइंग आई एम आइंग, तो बड़ी ही प्यारी लगती है। हाँ तुम माँ के साथ रहती हो ना, इसीलिए मैंने सुनी तो मेरा दिल ही कांप गया। अगले दिन शिवा ऑफिस जा रहा होता है, सास बहू दोनों शिवा को बाइक पर जाते हुए बाय कर देती हैं। तभी शिवा की बाइक गिर जाती है और जल्दी से वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहाँ डॉक्टर उनसे पूछता है, क्या हुआ माता जी, कैसे लगी इनको इतनी चोट?
डॉक्टर साहब दिस इज माय लौंडा गिरोंडा फ्रॉम हीरो होंडा हड्डी टूटिंग जल्दी जल्दी पट्टी डूइंग। स्वर्णा की बात सुनकर डॉक्टर बेहोश हो जाता है। ये देखकर पास खड़ी मीना बोलती है, माँ जी मैंने कहा था ना कि आप मुझे बोलने दीजिए, देखिए आपकी इस इंग्लिश को सुन के डॉक्टर भी बेहोश हो गए। मीना डॉक्टर के ऊपर पानी छिड़कती है जिसके बाद वो होश में आते हैं और मीना उनसे कहती है, डॉक्टर साहब आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, माता जी की इंग्लिश वैसे क्या प्रॉब्लम है इनको? सर ये ऑफिस जा रहे थे और इनकी बाइक स्लिप हो गई और इन्हें चोट लग गई। डॉक्टर शिवा का चेकअप करके उसे इंजेक्शन लगा देते हैं, साथ ही कुछ दिनों के लिए उसके हाथ पर प्लास्टर बांध देते हैं ताकि अगर कोई थोड़ी बहुत चोट हो भी तो वो ठीक हो जाए। कुछ ही देर बाद शिवा होश में आ जाता है और दोनों सास बहू मिलकर उसे घर ले जाती हैं। घर जाने के बाद उसकी माँ उसे खतरनाक इंग्लिश में डांटते हुए बोलती है, शिवा तू अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं होता बेटा, इतना स्माइलिंग लेकिन यू नॉट लिसनिंग माय बात। बहू फ्रिज से फ्रूट्स लाएंगे और इसको खिलाएंगे जिससे इसको ताकत आएंगे। माँ जी यू आर सही बोलिंग और अभी मैं इनके लिए फ्रूट कटिंग। इस तरह पूरा परिवार हंसते खेलते रहने लगता है। अब स्वर्णा के साथ साथ मीना और शिवा भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं और पूरे परिवार मिलकर हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देता है और अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से बिताने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये सास बहू की अंग्रेजी की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी सास बहू जिन्हें टूटी फूटी ऐसे इंग्लिश बोलने में बहुत मजा आता हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।